हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाई कौशलेंद्र। सर, इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11, 12 और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में, सिंपल तरीके में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटीग्रेशन का बेसिक, ये थर्ड लेक्चर होगा। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो इंटीग्रेशन में हम आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पिछले दो लेक्चर में हम यही बताए थे। अब इसी पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे, तो पिछले लेक्चर में हम लोग 6 प्रॉब्लम किए थे। 7वां नंबर प्रॉब्लम से हम लोग देखते हैं, 6 नंबर प्रॉब्लम कर लिए थे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब हुआ कि अगर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स है तो इस बात का अर्थ होगा कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पिछले लेक्चर में 6 प्रॉब्लम किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। अब ये नहीं देखना है कि इसमें हम इंटीग्रेशन का कोई प्रोसेस लगाएंगे क्या, कुछ नहीं, बस इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जितना अच्छा आप एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपेंड कीजिए। तो आप 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हम माइनस साइन 2x का फॉर्मूला लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया dx। यहाँ पर हमने साइन 2x का फॉर्मूला यूज किया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अब हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हो गया डिफरेंस का इंटीग्रेशन, मतलब सेपरेट करके इंटीग्रेट करके डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इस सवाल को सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। तो यहाँ आप ट्रिगो का फॉर्मूला यूज कीजिए, 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बच गया आपका टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स किसी चीज़ का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होता है, तो इसको हम और फर्दर एक्सपेंड कर देते हैं तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ लगा देते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इनवर्स प्रोसेस है तो हम ये देखेंगे कि किसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, तो आंसर हो गया टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया बात, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉस 2x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर आप कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए,
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए तो भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये दोनों के साथ था, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है प्रोडक्ट में है, और ऊपर न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है वो डिफरेंस के फॉर्म में है। इसका मतलब डिफरेंस से सेपरेट होगा और ये दोनों टर्म के साथ होगा। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बच जाएगा वन बटा साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन बटा कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स। तो माइनस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप सीख गए होंगे। सवाल नंबर 10 में चलिए। लड़खड़ाना है, गिरना है, उठना है, फिर बनाना है, तब जा कर के आगे बढ़िएगा। सवाल को बनाते रहना है, छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कोई मेथड नहीं है। अगर इंटीग्रेशन नहीं बना रहे हैं और देख के डर रहे हैं कि पता नहीं इसमें कोई प्रोसेस लगेगा, तो ये आपकी कमजोरी है। बस सिंप्लीफाई करना सीखिए और उसके बाद इन्वर्स प्रोसेस लगा दीजिए। तो हम इसको छोटा करते हैं, प्रॉब्लम को छोटा कीजिए। जितना भी प्रॉब्लम है अगर छोटा करना आप सीख गए, चाहे वो लाइफ का हो या मैथ का हो, तो आप महान बन जाएंगे। तो sec x प्लस tan x है, हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यानी sec x माइनस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x माइनस tan x, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होगा। अब इस टेन एक्स को सेक एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स अब माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे में हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो सेक एक्स का होता है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा सेक एक्स, यानी सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा सेक एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है तो नहीं जानते हैं, तो इसको फर्दर और एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तब ये हो जाएगा आपको सेक ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है टेन एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा टेन एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया सवाल, बेसिक सवाल इंटीग्रेशन सीखने के लिए। जिस व्यक्ति को भी लगता है कि इंटीग्रेशन टफ है, तो इंटीग्रेशन का लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 3 तक का बेसिक देख लीजिए, एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रॉब्लम देखिए, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इन डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसको भी आप एक्सपेंड कीजिए, ये हो जाएगा आपका वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स, और इसको भी आप वन प्लस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्सपेंड कीजिए, कैलकुलेशन से पीछे मत भागिए।
कैलकुलेशन से पीछे भागिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बहानेबाजी नहीं डालना है, बहानेबाजी की आदत आपको निकम्मापन बना देगा, बहानेबाजी की जो आदत है ये आपको निकम्मापन बना देगा और इससे आपको आलसपन का बोध आ जाएगा। और आप जानते हैं कि निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। तो इस गुमान में नहीं रहना है कि हम बहुत तेज हैं, बनाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये हो जाएगा 1 + sin x² 1 + sin x² और नीचे हो जाएगा a - b × a + b, तो a² - b² यानी 1 - sin² x, तो ये हो जाएगा cos² x। अब ऊपर हो गया a + b² तो a² + b² + 2ab और डिवाइडेड बाई cos² x dx। बस करते चल जाना है। अब ये cos² x तो सबके साथ हो गया, तभी हो जाएगा 1 / cos² x dx जोड़ sin² x / cos² x dx प्लस 2 बाहर निकलेगा sin x / cos² x dx। समझ में आई बात? अब ये हो जाएगा आपका 1 / cos² x को क्या लिख देंगे, sec² x अब प्लस sin² x / cos² x क्या हो जाएगा, tan² x अब प्लस 2 बाहर निकला हुआ था, ये हो गया sin x / cos² x, तो 1 sin / cos हो जाएगा tan x और 1 cos ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sec x। इस बात को फिर से पढ़िए, sin x / cos² x था तो sin x / cos x × cos x कर दीजिए, आई sin / cos हो गया tan, आइए cos ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec। अब रिजल्ट लिख देते हैं तो sec² x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan x। क्यों? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x, आई इस tan² x को नहीं जानते हैं तो इसको और तोड़ देते हैं, sec² x - 1 dx प्लस 2 sec x × tan x डेरिवेटिव होता है sec x का, इसका मतलब sec x × tan x का इंटीग्रल हो जाएगा sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तभी हो जाएगा tan x प्लस ये हो जाएगा sec² x dx -dx और प्लस 2 sec x और जोड़ c, यानी ये हो जाएगा tan x और sec² x dx का इंटीग्रल tan x और -dx का x प्लस 2 sec x और जोड़ c, तो tan x और tan x क्या हो जाएगा, 2 tan x और -x और प्लस 2 sec x और जोड़ c। समझ में आ गया बात? लग रहा था कि कैसे बनाएंगे, कोई मेथड यूज नहीं हुआ, कोई मेथड नहीं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारा मेथड, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और उसी क्रम में यह सवाल नंबर 11 था, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है cos इनवर्स 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x dx। तो यहाँ पर 11th का जो ट्रिगो का फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करना है, लगातार कोशिश करते रहना है, लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होता है, तो अपने आप में अनुशासन बनाए रखिए और अनुशासित रहने के लिए आत्मनियंत्रण एवं त्याग की आवश्यकता होती है, इसके लिए भटकाव और लालच से बचना पड़ता है, तो भटकने से बचिए और 11th के पूरे फॉर्मूला को दिमाग में रखिए। तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि किसका फॉर्मूला है, और अगर ये फॉर्मूला आप जानते हैं तो ये सवाल चुटकियों में बन जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा। देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, cos 2x बराबर होता है 1 - tan² x / 1 + tan² x, इसी को cos 2x में बदल दीजिए, ये हो जाएगा cos inverse cos 2x dx। अब यहाँ 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए कि cos इनवर्स cos x बराबर होता है x, अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो सवाल एकदम आसान हो गया, तो cos इनवर्स cos 2x बराबर हो गया 2x dx, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x dx 2, और x का इंटीग्रेशन x के पावर n का फॉर्मूला, तो x के पावर n + 1 / n + 1, 2 से 2 कट गया,
यानी मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आंसर हो गया। तब देख रहे हैं जो सवाल आप देख के डर रहे थे उसका इतना आसान सॉल्यूशन हो गया, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला इसमें यूज किया गया डायरेक्ट। अगर ये फॉर्मूला आपको आता था या आता है तो ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। ऐसे ही सवाल होता है, अगर आप नहीं जानते हैं फॉर्मूला तो आपको लगता है कि ये बहुत टफ है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। खरगोश और कछुए की कहानी हम सभी जानते हैं। खरगोश में अपनी रफ्तार के बारे में डींग हाँकी और कछुए को दौड़ में मुकाबला करने की चुनौती दे दिया। कछुआ ने चुनौती कबूल कर लिया, उन्होंने एक लोमड़ी को जज बनाया। दौड़ शुरू हुई तो कछुआ अपनी धीमी गति से चलता रहा, लेकिन खरगोश ने रफ्तार दिखाया। जल्दी ही खरगोश ने कछुए को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। उसे जितने का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सोचा क्यों न एक झपकी ले ली जाए। नींद खुलने पर उसे दौड़ की याद आई और उसने फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसी दौरान कछुआ लक्ष्य तक पहुंचकर दौड़ जीत चुका था। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी भी कोशिश। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी भी कोशिश। अनियमित नहीं होना है कि हम जानते हैं, गलतफहमी में नहीं रहना है, लगातार बनाते रहना है। जानते हैं तो और जानने की ज़रूरत है, फेल तो वही ना होता है जो जानता है। जो नहीं जानता है उसकी बात तो छोड़िए दीजिए, वो तो फेल है ही है पहले ही से। लेकिन कोई आदमी पढ़ा, मान लीजिए अब 25 गो मैथ सवाल है जेई मेंस में और 18 गो बना कर के 19वां में लटक गया और NIT कालीकट में मैकेनिकल लेने से वंचित रह गया एक सवाल के चलते, तो सैलरी में लाखों में परिवर्तन आ जाएगा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, उम्मीद है कि आप हमारी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स साइन एक्स डी एक्स, कॉस इनवर्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अगर आप इनवर्स का फॉर्मूला याद रखे होंगे तो आपको पता होगा कॉस इनवर्स कॉस के साथ टूटता है, तो कॉस में तोड़ने के लिए साइन को क्या करना होगा? तो आप जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। बेसिक फॉर्मूला एकदम बिल्कुल बच्चा वाला, उसको लगा दीजिए तभी हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। और अभी हम लोग पढ़े कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर होता है एक्स। सिर्फ यही नहीं, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर भी एक्स। तो यहाँ हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो पाई बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन के फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। एक्स के पावर एन का इंटीग्रल एक्स का पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 और जोड़ सी। समझ में आ गया बात? क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, इसको एकदम देखते रहिए। अब वीडियो को अंत तक देखिएगा, अभी बहुत सवाल है, आज कम समय में बहुत सवाल बताना है। तो टेन इनवर्स सेक एक्स का मतलब हो गया 1 बाई कॉस एक्स और टेन एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स बटा कॉस एक्स डी एक्स। और तोड़िए इसको तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स, नीचे एलसीएम ले लीजिए कॉस एक्स, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, कहीं इंटीग्रेशन नहीं है, सब ट्रिगो यूज कर रहे हैं, बराबर हो गया टेन इनवर्स। अब 1 को लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को तोड़ दीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, सब मल्टीपल एंगल में। जिनको लग रहा है कि इंटीग्रेशन टफ है, वो उनको सोचना चाहिए कि उनका ट्रिगो कितना अच्छा है। कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। यहाँ पेज खत्म हो रहा है इसलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं,
तो सुनने पर भी ध्यान देना है और लिखित बात को तो ध्यान देना ही है। ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आई छोड़ दिया ऐसी एज इट इज टेन इनवर्स, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए एक टर्म जो है आपका कैंसिल हो गया प्लस वाला, तो क्या बच गया, बच गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स कॉस से डिवाइड कीजिएगा तो मिल जाएगा वन प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स बाई टू डी एक्स। क्या मिल गया था हम लोगों को, टेन इनवर्स वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए दो फार्मूला याद रखना है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, दो फार्मूला, टेन पाई बाई फोर प्लस ए बराबर होता है वन प्लस टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए, ट्रिगो है, और टेन पाई बाई फोर माइनस ए का फार्मूला होगा वन माइनस टेन ए बाई वन प्लस टेन ए, ट्रिगो का फार्मूला जुबान पे रखिए, तब मिल जाएगा आपको टेन इनवर्स, ये देखिए वन प्लस टेन ए बटा वन माइनस टेन ए, ये हो जाएगा यानी टेन पाई बाई फोर माइनस ए, तो टेन पाई बाई फोर माइनस ए के जगह पर हो गया एक्स बाई टू डी एक्स। अब यहाँ लगा देंगे फार्मूला कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर ओनली थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर होता है थीटा, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। अलग अलग कर देते हैं तो पाई बाई फोर डी एक्स माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। अब ये पाई बाई फोर आपको इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डी एक्स माइनस वन बाई टू बाहर निकलेगा एक्स डी एक्स। अब ये हो गया पाई बाई फोर और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन बाई टू और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो आंसर हो जाएगा आपका पाई एक्स बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। समझा गया बात, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, ये फार्मूला गलत लग गया, ये फार्मूला था वन प्लस टेन एक्स बटा वन माइनस टेन एक्स, ये वन प्लस टेन ए बटा वन माइनस टेन ए, तो टेन पाई बाई फोर प्लस ए हो जाएगा, तो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका प्लस में पाई एक्स बाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि आप कभी डरिए नहीं असफलता से कि हमको इंटीग्रेशन डर लग रहा है, अगर आपके मन में असफलता का डर बैठ गया तो ये बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगा भाई, बहुत ख़राब हो जाएगा, डर बैठाना ही नहीं है, असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बड़ी बुरी चीज़ असफलता नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, सबसे बुरा चीज़ असफलता नहीं है, यानी फेलुअर इज नॉट द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम चीज़ फेलुअर है ही नहीं, कुछ और चीज़ है, तो आप उससे डरिए मत, एक्सट्रीम तो कुछ और होती है। कोशिश न करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं, ध्यान दीजिए, कोशिश करना है, कोशिश नहीं करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं, और तब फिर उनको उठाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं वो तो कभी भी उठ जाएंगे, कभी भी उठ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस कुछ नहीं सोचना है, ट्रिगो का फॉर्मूला लगा देना है। तो 1 के जगह पर आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो ये ऊपर में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सबको अलग अलग कर दीजिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ कॉस स्क्वायर काट दीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर काट दीजिए, तब आपको मिल जाएगा ये 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। क्यों? क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल हो जाएगा टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। तो आंसर हो जाएगा टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ भी क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस साइन एक्स से। तो ऊपर हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अलग अलग कर देते हैं तभी हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 यानी साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेपरेट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी हो जाएगा साइन बटा कॉस हो जाएगा आपको टेन और एक कॉस ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स, यानी ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। इसको एक बार फिर से समझिए, साइन बटा कॉस स्क्वायर है यानी दो गो कॉस है तो एक गो कॉस को ऊपर लेके चल जाइए, या 1 बटा कॉस बराबर सेक हो गया और एक साइन बटा कॉस टेन हो गया, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स को कहेंगे टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा सेक एक्स। क्यों? क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को कह देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये हो जाएगा आपका सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी एक्स। तब ये क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा टेन एक्स। क्यों? क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस एक्स। ये आपका आंसर हो गया सेक एक्स माइनस टेन एक्स अब प्लस एक्स, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रेशन का जो बेसिक है यानी एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी तक इसमें हम 16 सवाल और उस पहले वाले लेक्चर का काउंटिंग नहीं है, उसमें 7 सवाल अलग से बनाए हुए हैं, 7 और ये 23 प्रॉब्लम्स हुआ है। कुछ और प्रॉब्लम्स जो है कम्बिनेशन बढ़िया का सिलेक्शन आपको इंटीग्रेशन बेसिक के चौथे लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, फंक्शन का बेसिक देखते रहिए, फंक्शन का प्लेलिस्ट, कंटिन्यूटी, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, सब बना हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का
ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मैक्सिमा और मिनिमा वगैरह ये सब ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, उसको और बढ़िया से देख लीजिए। रिवीजन करते रहिए बार बार, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। अक्सर देखा जाता है कि शिकार शिकारी को चकमा दे देता है, वजह यह होती है कि शिकारी अपना भोजन जुटाने के लिए दौड़ रहा होता है, जबकि शिकार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। तो भय के कारण उत्पन्न होने वाली प्रेरणा ज़्यादा फायदेमंद है। अगर भय से उत्पन्न होती है प्रेरणा तो इसकी वजह से काम जल्दी पूरा हो जाता है, और काम समय पर पूरा हो जाने से नुकसान नहीं होता है। थोड़े समय के लिए इंसान की काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए बाहरी प्रेरणा तो आप लेते रहिए, इंटरनल मजबूती बनाए रखिए, और ये तब और केवल तब होगा जब आप रिवीजन को प्राथमिकता देंगे। तो डिटरमिनेंट, इन्वर्स, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, ये सब वो टॉपिक है जो आपके इंटरनल एनर्जी को मजबूत करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को अन्यथा नहीं लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।